नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्कार फूल कुमारी दीदी, कैसा रहा आपका लंच ब्रेक? एकदम मस्त दीदी, आज राशि सैंडविच लाई थी और मैं स्वादिष्ट भेल पूरी। अरे वाह, अच्छा तो सबके साथ मिल बांट कर खाई कि नहीं, या अकेले ही पूरी चट कर गए? अरे नहीं नहीं दीदी, हम तो हमेशा ही मिल बांट कर खाते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो अब मैं ऐसी ही एक कहानी सुनाऊंगी आपको। ऐसी ही मतलब? अरे वो तुमको सुनकर ही समझ आएगा। आज की कहानी है संत नामदेव की। संत नामदेव, सुनाइए दीदी। तो सुनो, बहुत पुरानी बात है, एक बार पंडरपुर गांव में एक विशाल कार्तिक यात्रा का मेला लगा था। देश विदेश हर जगह से बहुत सारे साधु संत मेले का हिस्सा बनने वहां पधारे थे। एकादशी के उपवास का पारायण पूरा होने की तैयारियां बड़े जोर शोर के साथ चल रही थीं। सब भगवान को भोग लगाने के लिए कतार में लगे थे कि तभी वहां एक भूखा, एकदम दुबला पतला, नाजुक सा काला कुत्ता आ गया। इतनी भीड़ में कुत्ते को देखकर सब उसे धुतकारने और भगाने लगे। हट, हट। बेचारा कुत्ता, भूख के मारे उसकी तो जान ही जा रही होगी ना दीदी। लेकिन उसकी किसे पड़ी थी, वैसे ही इतनी लंबी लाइन लगी थी दर्शन के लिए। उसकी तरफ किसी ने प्यार से नहीं देखा, सब प्रभु को भोग लगाने के लिए उत्साहित थे। अब चारों ओर से दुत्कारा हुआ कुत्ता चुपके से नामदेव के रसोई घर में घुस गया, जहाँ पर संत नामदेव प्रभु के भोग लगाने के लिए रोटियां सेक रहे थे। अब उस भूख से तड़पते हुए कुत्ते ने चुपचाप से एक रोटी उठाई और भागने लगा। नामदेव पहले तो चौंके और फिर कुत्ते के पीछे भागने लगे। दीदी, परंतु अब कुत्ते के पीछे भागने से क्या फायदा? अब तो कुत्ते ने मुंह से रोटी को झूठी कर दी ना। अब वे इस रोटी का क्या करेंगे, अगर उन्होंने कुत्ते से रोटी वापस भी ले ली तो? अरे पूरी कहानी तो सुनो। नामदेव के पास एक घी की कटोरी रखी हुई थी। उसे देखकर नामदेव ने सोचा, भगवान को भोग लगाने के लिए ही तो मैंने ये घी रखा हुआ था, परंतु भगवान तो सभी प्राणियों में है। मैं अपने आप को भगवान का भक्त समझता हूँ, तो यदि मैं भगवान की बनाई हुई सृष्टि के सब प्राणियों को भगवान का ही रूप न समझूं, तो मैं कैसा बनूंगा? यही सोचते सोचते नामदेव कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे पीछे भागते रहे और दौड़ते दौड़ते वे कुत्ते को पुकार रहे थे। अरे प्रभु, ये सूखी रोटी है, आपको खाने में तकलीफ होगी। नामदेव को पीछे आता देखकर कुत्ते को डर लगने लगा और वह और भी तेज भागने लगा। नामदेव कहे जा रहे थे, प्रभु थोड़ा रुकिए, मैं घी लाया हूँ आपके लिए। और आखिरकार उन्होंने कुत्ते को पकड़ ही लिया। फिर उन्होंने कुत्ते को प्यार से सहलाया तो कुत्ते को भी दिल में थोड़ी तसल्ली हुई। और फिर नामदेव ने रोटी लेकर उस पे अच्छे से घी लगाया और बोले, लो प्रभु अब खाओ, आपको अब मजा भी आएगा और तकलीफ भी नहीं होगी। अरे वाह दीदी, नामदेव तो बड़े दयालु थे, एक भूखे कुत्ते को अच्छे से खाना खिलाने के लिए इतनी मेहनत की। जब हम प्रभु की पत्थर की मूर्ति के लिए इतने पकवान शुद्ध घी में बनाकर घंटों धूप में कतार में लगे रहकर उन्हें भेंट कर सकते हैं, तो आखिर वह भी तो प्रभु का ही रूप था। उस कुत्ते की ही तरह सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे भगवान का ही रूप होते हैं और हमें सबकी रक्षा और सम्मान करना चाहिए। हाँ दीदी, मैं भी बाकी लोगों की ही तरह ये सोच रहा था कि नामदेव कुत्ते के रोटी लेकर भाग जाने से गुस्सा होकर उसके पीछे भाग रहे थे, जबकि उन्होंने तो उस भूखे कुत्ते में ही भगवान ढूंढ लिए थे और उन्हें तो साक्षात भगवान को ही भोजन कराने का आनंद आ गया। सच दीदी, हमें कभी अपने मनुष्य होने पर या अपने समृद्ध होने पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमें दूसरे जीव जंतु और मनुष्यों में, यहाँ तक फिर खुद में भी भगवान दिखना ही बंद हो जाए। वाह, आपने तो बड़ी गहरी बात कह दी बेटा।
मैं अब आपकी कहानियों की सीख समझने लगा हूँ दीदी। बहुत अच्छे, ऐसे ही महापुरुषों के जीवन की कहानियों से प्रेरणा ले अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो तो तुम भी आगे चलकर बहुत महान इंसान बनोगे। धन्यवाद दीदी। और आज के लिए बस इतना ही, अगले वर्ग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।